भूतों के लिए बनाया गया है एक खास मंदिर यहाँ हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम मथुरा के भूतेश्वर माधव घूमने हैं बहुत सारे सच्ची कहानी हैं इधर हम पूरे कहानी बताते रहेंगे प्लीज वीडियो में बने रहिए देवी पुराण के अनुसार जब सती जी सती हो गए तो भगवान शिव को कंट्रोल करना किसी बस की बात में नहीं था इसलिए भगवान विष्णु ने सती जी को बावन खंड करके धरती पर गिरा दिया जिधर जर वो उनका शरीर का टुकड़ा गिरा वो एक एक शक्तिपीठ के नाम पर जाना जाता है दत्यो ने वो टुकड़े को चुरा कर लेके जा रहे थे तब तो वो भगवान भोलेनाथ ने कालभर के रूप में पैदा हुए प्रकट हुए और उनकी रक्षा की मथुरा में जो सती के जो टुकड़े गिरे थे वो अम्बिकावन की शक्तिपीठ के नाम पे जाना जाता है वही अंबिकावन को रक्षा करने के लिए भगवान भूतेश्वर महादेव का प्रकट हुआ इधर भूतेश्वर महादेव पूर्वमुखी है और गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन में है वह उत्तरमुखी है मानसी गंगा के पास जो है गोवर्धन में चक्रेश्वर वो पश्चिम मुख्य है और में जो है कामेश्वर महादेव वो दक्षिणी मुख्य है चारों दिशा में चार महादेव ने चार शिव ने फूल ब्रज को रक्षा करते हैं इधर हम मथुरा में भी चार महादेव है चारों तरफ से एक तो भुप्तेश्वर महादेव गोकर्णनाथ महादेव जो कि आकाशवाणी के पीछे है और पिपलेश्वर महादेव जो कि यमुना घाट पर स्थित है और एक है रंगेश्वर महादेव जो कि गेट के पास है ये मंदिर पाँच हज़ार वर्ष पुराना है ये कार्तिक पूर्णिमा में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है इधर बहुत बड़ा भंडार लगता है रुद्राभिषेक भी, भी किया जाता है इधर और महाशिवरात्रि इधर बहुत ही ज़्यादा फेमस है सावन के महीने में बहुत ज़्यादा लोग इधर आते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है भूतेश्वर महादेव केदारनाथ जी की उपलिंग है इसलिए अगर आप केदारनाथ दर्शन नहीं कर सकते नहीं जा सकते कोई बात नहीं तो आप इधर भुद्धेश्वर महादेव को अगर दर्शन करेंगे आपको सेम फल मिलेगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यह मंदिर सुबह पाँच बजे खुला रहता है खुला होता है और एक बजे बंद हो जाता है फिर चार बजे खुला होकर रात को साढ़े ग्यारह बजे बंद हो जाता है इधर पाताल देवी भी है एवं ऐतिहासिक शिवलिंग भी है नाग शासकों के द्वारा ये भुतेश्वर माँ शिवलिंग का स्थापना किया गया था इधर भद्रकाल का मंदिर भी है चलिए आपको बताते हैं भूतेश्वर माधव का प्रकट कैसे हुआ किसने किया उनको प्रकट कहते हैं कि मधु और कटम नामक दो राक्षस थे मधु ने भगवान शिव का बड़ा भक्त था वो उनको तपस्या करके वरदान मांगा भगवान बड़े खुश हो गए उनको वरदान मांगा कि आप भूतों का अधिसर होकर भुतेश्वर के नाम पे जाने जाएंगे तो भगवान शंकर ने उनको तपस्या के दिया तब से उनका नाम भूतेश्वर महाधव हो गया मधु एवं कटमों को वध किया था चंडी ने मधु के मृत्यु के बाद उसका पुत्र लवणासुर मथुरा का राजा बन गया वो बड़ा ही पराक्रमी था और वो भी भुपतेश्वर महादेव का बहुत बड़ा भक्त था वो भुतेश्वर महादेव को तपस्या किया तपस्या करने के बाद उनको संतोष करने के बाद अजय का वर्धन मांगा अजय का मतलब त्रिशूल होता है वो त्रिशूल जब तक उसके पास रहेगा उसके महल में रहेगा उसको कोई पराजय नहीं कर सकता कोई नहीं हरा नहीं सकता कोई उसे मार नहीं सकता वो हर तरफ तबाही करने लगा मचाने लगा तो त्रेता युग चल रहा था और राम थे अयोध्या के राजा और लक्ष्मण उनकी सेवा में मौजूद थे तब तो लमणेश्वर के आतंक से बचने के लिए सारे मनुष्य आके राम के पास पहुँच गए और बोले आप हमारा रक्षा कीजिए और फूल मथुरा को आप बचाए उसके बाद राम ने शत्रुओं को मथुरा का राजा बना दिया लव कुश पैदा होने के बाद वो शत्रुघ्न दो बार आके लवणासुर से परास्त हो गए एक दिन वो आके राम जी से बोले भगवान ये हमसे नहीं होगा लवणासुर बड़ा पराक्रमी है हम उसको पराजय नहीं कर सकते उसके बाद भगवान राम ने बोले जैसे हम लंका जय करने के बाद रामेश्वर का स्थापन किया था तुम भी ऐसे भूतेश्वर महादव को तपस्या करके पूजा करके उनसे अजय का वरदान लो भूतेश्वर महाधव को शत्रुघ्न तपसा तो करके जैसे अजय वर्धन मांगा बुधुश्वर महादेव जी ने बोले ये तो संभव नहीं है क्योंकि लवणसुर तो मेरा भक्त है मैं तो उसको एक बार दे चुका हूँ ये संभव नहीं है तब शत्रुघ्न ने बोले कोई दूसरा उपाय है तो बताइए तब भगवान बोले थे जब वो शिकार करने के लिए जाएगा त्रिशूल छोड़ के जाएगा उसी टाइम में तुम उसके वध कर देना और शत्रुघ्न ने ऐसे ही किए थे द्वापर युग की कहानी है भगवान कृष्ण ने पाँच वर्ष तक लीला रची सात साल की उम्र में कंस का वध किया ग्यारह साल के वर्ष में वो सत्रह बार युद्ध करके जरासन से परस्ते हुए और अठारहवीं बार रण के मैदान छोड़कर वो भाग गए थे उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ युद्ध के बाद वो मथुरा लौटे नंद यशोदा ने उनसे कहा कि आप इधर जाने से पहले कि सुबह हमें चारधाम का यात्रा कराए दर्शन कराए आप हमें वचन देते उसके बाद कृष्ण ने बोले आप जाने वाले चार और हम दिखाने वाले एक एक कैसे संभव होगा मैं एक काम करता हूँ सारे तीर्थों को मैं यहाँ बुला लेता हूँ उसके बाद वो यज्ञ किए तैंतीस करोड़ तेवा देवी को बुला बुलाए आवाहन किए इसलिए इधर मथुरा के धाम को गोलक धाम भी कहा जाता है क्योंकि वो यहाँ ही गाय को चराते थे, थे। ब्रज में दो विशेष बात है एक ये है जब वो बुलाए थे विश्वनाथ काशी विश्वनाथ ने वो नहीं आए थे और एक, एक गंगा माता ने नहीं आए थे उसके कारण मैं बता देती हूँ काशी विश्वनाथ से बोला थे, थे जहाँ भूत भूतेश्वर महादेव है मेरा हो उधर क्या काम और गंगा माता बोले थे मैं अपना सीमा का लंग कैसे करूँ क्योंकि मैं शादी हूँ और शांतनु की उनके पत्नी थे वो और जमुना जो, जो थी उनकी छोटी बहन थी और वो कृष्ण ही पाटन थे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा रखती हूँ हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय